हम लोग वैधि भक्ति के 64 अंग के विषय में सुने। यद्यपि उत्तमा भक्ति की हम जो परिभाषा पढ़े, परिभाषा में ही यह स्थापित सिद्धांत है, कर्म और ज्ञान उत्तमा भक्ति का अंग नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट करने के लिए फिर से ये कह रहे हैं कि सम्मतम भक्ति विज्ञानम भक्त्यंगत्वम न कर्मणा। जो भक्ति तत्व के जानकार व्यक्ति हैं, विज्ञ व्यक्ति हैं, और उनके अनुसार कर्म भक्ति का अंग नहीं है। कर्म मतलब वर्णाश्रम का पालन भक्ति के लिए भूमिका तैयार कर सकता है। और इसी से श्रीमद्भागवतम में भगवान विधान दिए हैं कि तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत जावता। जब तक कर्म से वैराग्य न हो जाए तब तक कर्म करना चाहिए। कर्म से वैराग्य नहीं है और शरीर से कर्म का त्याग कर दिए, लेकिन मन से उसी का चिंतन कर रहे हैं तो मिथ्या आचार से उच्यते, ये तो मिथ्या आचार हो गया, वास्तविक त्याग हुआ नहीं। तो जब तक निर्वेद नहीं हो जाता है तब तक कर्म करना चाहिए। और मत कथा श्रवणादव हुआ श्रद्धा जावन न जायते, या जब तक मेरी कथा कीर्तन में श्रवण कीर्तन में श्रद्धा न हो जाए तब तक कर्म करना चाहिए। या तो अब हम क्या करें, आवाज़ नहीं आ रही है तो तावत कर्माणि कुर्वीत न विपद्येत जावता न निर्विद्येत जावता। एक अर्थ है कि तब तक कर्म करना ही चाहिए, तावत कर्माणि कुर्वीत, तब तक कर्म करे जब तक भक्ति की प्राप्ति नहीं हो जाती। भक्ति की प्राप्ति हो गई तो कर्म वो करे या न करे दोनों से कोई अंतर नहीं होता। गीता में इन सब बातों को आप लोग विस्तार से पढ़ेंगे। और ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, कर्म भक्ति का अंग नहीं है और ज्ञान और वैराग्य भी भक्ति का अंग नहीं है। और परीक्षार्थी लोग ध्यान रखिए कि इस टॉपिक पर प्रायः प्रायः एक प्रश्न रहता ही है किसी न किसी रूप में। ज्ञान वैराग्योर भक्ति प्रवेशायोपयोगिता ईषत प्रथम वेति नांगत्वम उचितम तयो।
हम लोग भक्ति के प्रारंभिक अवस्था को प्रारंभिक अंगों के चर्चा कर रहे थे, तो आप लोग ध्यान दीजिए। प्रथम भक्ति है गुरु के चरणों का आश्रय लेना। तो हम लोग गुरु के योग्यता पर विचार किए, इसके साथ ही शिष्य की योग्यता पर विचार किए। और शिष्य की योग्यता क्या दी गई है, पश्चेत पाक विपर्यासम मिथुनी चारिणाम निर्णाम, उसको संसार से थोड़ी विरक्ति अवश्य होनी चाहिए। जब तक संसार का जो मार्ग है वही अच्छा लग रहा है, उसी में रुचि है, तो गुरु की आवश्यकता क्या है। जब इधर से खिन्न होता है व्यक्ति, निर्भीड़ होता है, तब तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम। अब संसार से संतुष्टि नहीं है, तब गुरु के शरण में जाए, क्योंकि उत्तम अब इस संसार से भिन्न किसी दूसरे पंथ की जिज्ञासा करनी। तो भक्ति में प्रवेश के लिए भले ही थोड़ा सा वैराग्य बहुत महत्वपूर्ण है। हम इस बात को अच्छा से समझाने का कोशिश किए थे, दो तीन श्लोक उद्धृत करके जट भरत जी के उक्ति को कोट किया था कि नतस्य तत्त्वं ग्रहणाय साक्षात बरी असीरपि वाचः समासान। उस व्यक्ति को तत्व ग्रहण कराने के लिए उपनिषद के वचन भी सक्षम नहीं हो सकते। किस व्यक्ति को स्वप्ने निरुक्त्या गृह में दिसौख्यम न जस हेयानुमित स्वयं स्यात्। जिस व्यक्ति को संसारिक सुख में अपने से हे बुद्धि न हो जाए, अध्यात्म जीवन प्रारंभ करने के लिए थोड़े वैराग्य की आवश्यकता होती है। वे संसार के तरफ है, हमारा धारा बह रहा है, तो उस धारा को मोड़ने के लिए वैराग्य की जरूरत है। लेकिन अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि भक्ति में प्रवेश करने के लिए वैराग्य की आवश्यकता है, या थोड़ा भजनीय के या देह आत्मा के ज्ञान की भी जरूरत है। लेकिन ज्ञान वैराग्य भक्ति के अंग नहीं, प्रवेश के लिए उपयोगिता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब भक्ति उच्चतर अवस्था पर पहुंचती है तो ये तत्व कुछ प्रतिकूल हो जाते हैं, अनुकूल सिद्ध नहीं होते। तो कह रहे हैं कि ज्ञान वैराग्यो भक्ति प्रवेशायोपयोगिता, भक्ति में प्रवेश करने के लिए ज्ञान वैराग्य के थोड़ी सी आवश्यकता है। प्रथमम एवेति नांगत्वम उचितम तयो, लेकिन वे भक्ति के अंग नहीं है। कोई ज्ञान का अनुशीलन कर रहा है, वैराग्य का अनुशीलन कर रहा है, तो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि वह भक्ति का अनुशीलन कर रहा है। वे ज्ञान वैराग्य तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, सब प्रशंसा करते हैं, और इसको भक्ति का अंग क्यों नहीं मान रहे हैं। तो कह रहे हैं कि यद उभे चित्त काठिन्य हेतु प्राय सतामत। जो विज्ञ लोग हैं, भक्ति तत्व के जानकार हैं, तो उनका विचार यही है कि ज्ञान वैराग्य हृदय को कठोर करने वाला, ज्ञान वैराग्य से हृदय कठोर होता है।
को भक्ति में प्रवेश के लिए इसकी आवश्यकता है। जब तक पुत्र परिवार के प्रति थोड़ा कठोर नहीं होंगे तो कैसे भक्ति के तरफ आएंगे? घर का त्याग कर सकते हैं, तो वहाँ तो आवश्यकता है, लेकिन ये भक्ति के अनुकूल नहीं है। क्यों नहीं अनुकूल है? सुकुमार स्वभावेयम भक्तिस्तद हेतु रीरिता। भक्ति बहुत सुकुमार स्वभाव की है और इसका कारण भक्ति ही है। ज्ञान वैराग्य भक्ति का कारण नहीं है। ओ, अब इस विषय में ज्ञान वैराग्य के भूमिका के विषय में समझना चाहिए कि प्रारंभ में तो भक्ति के लिए उपयोगी है, लेकिन भक्ति जब उच्चतर अवस्था पर पहुंच जाती है तो एक तरह से वे भक्ति के विरोधी सिद्ध होते हैं। वे किस अर्थ में? देखिए, जो भी साधना हम करते हैं तो साधना का फल यही है, उद्देश्य यही है कि हमारा चित्त मृदु हो जाए, द्रवीभूत हो जाए। वो साधना का अर्थ है चित्त को ढीला करना, स्लोर करना, मशीन करना। भाई इसकी क्या आवश्यकता है? देखिए, जो चीज़ बहुत कठोर है तो उस पर संस्कार बनता नहीं है, इम्प्रेशन इम्प्रिट नहीं बनता। जैसे गर्मी का दिन है, वो भूमि कठोर है तो उस पर कोई आता जाता रहे, कोई चरण चिन्ह नहीं उभरेगा। लेकिन यदि भूमि थोड़ा ढीला है, गीला है, तो उस पर चरण चिन्ह उभर जाएगा ना। तो उसी तरह जब चित्त कठोर रहता है तो इसमें भाव का उदय नहीं होता, भगवान का छाप अंकित नहीं होता। और इसलिए साधक साधना करके अपने चित्त को ढीला करना चाहते और ज्ञान वैराग्य चित्त को कठोर करने वाला है, और इसलिए भक्ति से इसका मेल नहीं बैठता है। और भाई ज्ञान वैराग्य तब तो एकदम निरर्थक है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। है, मान लीजिए कि ज्ञान वैराग्य की आवश्यकता इसके भी है, लेकिन जितनी आवश्यकता है और उस ज्ञान वैराग्य को भक्ति अपने से उत्पन्न कर लेती है। अलग से ज्ञान वैराग्य के अनुशीलन की आवश्यकता नहीं है। वो प्रसिद्ध श्लोक श्रीमद् भागवतम का, वासुदेवे भगवते भक्ति योग प्रयोजित जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहैतुकम। यद अहैतुकम, जो अहैतुकी ज्ञान है। अहैतुकी मतलब जो हेतुवाद पर आधारित नहीं है, तर्क पर आधारित नहीं है। तो उस ज्ञान को भक्ति अपने से जेनरेट कर लेते, उत्पन्न कर लेती। तो इसी से ज्ञान वैराग्य को भक्ति का अंग नहीं कहा गया, इसके अनुशीलन की, अलग से अनुशीलन की आवश्यकता नहीं है। और कह रहे हैं कि इससे कोई क्षति नहीं है। जिस फल को प्राप्त करते हैं ज्ञान का अनुशीलन करके, वैराग्य का अनुशीलन करके, तो वह भक्ति के प्रभाव से स्वतः प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवतम का श्लोक उद्धृत कर रहे हैं, एकादश स्कंद के विश्वे अध्याय का 32-33 नंबर का श्लोक। भगवान की उक्ति है, यत कर्म भी यत तपसा ज्ञान वैराग्यतश्च यत
योगे न दान धर्मेण श्रेयो भी रितरय रब्बी। अरे अपने मंगल के जो भी साधन है, कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योग, दान, धर्म, तो सर्वम मदभक्ति योगे न मदभक्तो लभतेंजसा। एक हमारा जो भक्त है तो सब भक्ति योग के प्रभाव से बहुत आसानी से प्राप्त कर लेता है। स्वर्गापवर्ग मद धाम कथंचित यदि वांछति। ज्ञान वैराग्य का अनुशीलन किस लिए करते हैं? मोक्ष के प्राप्ति के लिए। कर्म का अनुशीलन किस लिए करते हैं? स्वर्ग के प्राप्ति के लिए। एक रहें कि और भी जो श्रेय के साधन हैं तो उसका जो भी फल है वो तो भक्ति से स्वतः प्राप्त हो जाता है। हम लोग प्रारंभ में ही पढ़ चुके हैं, भक्ति सुखदा, सुखदा का क्या अर्थ हुआ? सुख प्रदान करने वाले। और सुख कितने प्रकार के हैं? नहीं, शुभदा, शुभ है, और उसमें एक है सुखदा, सुख। तो सुख तीन प्रकार के, वैषयिक, ब्राह्म, ऐश्वर्य। तो ज्ञान वैराग्य से या कर्म से, दान धर्म से जो भी फल हम प्राप्त करने की आशा रखते करते हैं तो वह सब है, और दूसरा भी भगवान के भक्ति से स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसलिए ज्ञान वैराग्य अलग से अनुशीलन की आवश्यकता नहीं है, यह भक्ति का अंग नहीं है। और अब कह रहे हैं कि अनासक्तस्य विषयान यथार्यमुपयुञ्जत निर्बंधः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते। अरे जो व्यक्ति विषय से अनासक्त है लेकिन यथार्यम भक्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए जितने वस्तु की आवश्यकता है वो उसका उपयोग कर रहा है, विषय का भी वो संग्रह कर रहा है, विषय से संयोग रख रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ है कि निर्बंधा कृष्ण संबंध है, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए विषय को नहीं स्वीकार किया है, अनासक्त है, लेकिन कृष्ण के सेवा पर उसकी दृष्टि है, और यथोचित जितनी आवश्यकता है उतने विषय का संग्रह भी किया है, उपयोग भी कर रहा है। तो कह रहे हैं कि युक्तम, यह बहुत अच्छी बात, यही समीचीन बात है। और वैराग्यम उच्यते, इसी को वैराग्य कहते हैं। वैराग्य का अर्थ है विषय का त्याग करना नहीं है, विषय को कृष्ण के संबंध से ग्रहण करना, यही युक्त वैराग्य, यही समीचीन है। तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आप लोग पीछे से इसको बोलिए, अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जतः निर्बंधः कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यमुच्यते। अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जतः निर्बंधः कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यमुच्यते। अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जतः निर्बंधः कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यमुच्यते। एक चीज है,
आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्लास में डिस्कशन में ज्ञान वैराग्य दो शब्द आ रहे हैं, लेकिन आपके परीक्षा में वो वैराग्य त्याग हो जाता है। उसका कारण है कि यहाँ तो हम संस्कृत श्लोक से शब्द को बोल रहे हैं, हिंदी में भी प्रचलित शब्द है, लेकिन इसका अनुवाद किया गया है तो वैराग्य के लिए रिनन्सिएशन ये शब्द है, और उसका जब अनुवाद किया गया है तो त्याग अनुवाद कर दिया गया है। तो क्लास में तो ज्ञान वैराग्य की भूमिका इस अर्थ में कि भक्ति के प्रारंभ में इसकी उपयोगिता है, उच्चतर भक्ति में इसकी उपयोगिता नहीं है, लेकिन परीक्षा पेपर में आ जाता है कि ज्ञान और त्याग की भूमिका को लिखे, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ जो वैराग्य बोल रहे हैं वही परीक्षा पेपर में त्याग हो जाएगा, चूँकि वह थ्रू इंग्लिश आएगा। तो इस बात को समझ रहे हैं ना, ज्ञान वैराग्य बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ज्ञान की महिमा है कि ज्ञान रहने से भक्ति स्थिर रहती है। अब एकदम ज्ञान नहीं है तो भक्ति में स्थिरता ही नहीं है। आज महामंत्र का जप करते हैं तब तक कोई कुछ सुन लिए, तो अब देवी का या किसी और का जप करना शुरू कर दें। ज्ञान रहने से एक भक्तिर विशिष्यते, आदमी देह आत्मा भजनीय के विषय में कुछ समझ रहा है तो स्थिरता रहती है, और इसलिए ज्ञान के भी महिमा है। और वैराग्य के बिना तो भक्ति में प्रवेश ही कठिन है, संसार में ही रह जाएंगे, लेकिन प्रवेश के लिए उपयोगी है। बाद में ये बाधक भी सिद्ध हो सकता है इस अर्थ में कि भक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं चित्त को मृदु करने के लिए। भाव भक्ति का लक्षण हम पढ़ेंगे बाद में, चित्त मफ्रीण हो जाता है। मफ्रीण के लिए क्या हिंदी में शब्द देंगे, भोजपुरी में तो सलोर कहते हैं, गीला, नम, मृदु, जो कहें, लेकिन ज्ञान वैराग्य से कठोर होगा। हम इस बात को एक उदाहरण से समझाते हैं। जैसे कोई पौधा लगाते हैं वो एक बाड़ डालते हैं ना लोहे का पिंजरा जैसा, और उसकी उपयोगिता है ना, पौधा सुरक्षित रहता है। वो न रहे तो पशु उसको नष्ट कर देंगे, या यहाँ तक कभी कभी आदमी का भी पैर से टूट जाता है। छोटा पौधा है तो बाड़ जरूरी है, लेकिन वही जब विशाल वृक्ष हो गया और बाड़ को न हटाए तो बल्कि वो तन्ना पर अब एक चिन्ह डाल देगा। कभी कभी देखे हैं ना, तो बाड़ को हटाए नहीं है तब तो लोहे का है, तब वही तन्ना में धंसते जाएगा। अब उस समय उसकी उपयोगिता नहीं है ना, किसी न किसी रूप में एक तरह से वृक्ष को डिस्टर्ब ही कर रहा है। तो उसी तरह ज्ञान वैराग्य भक्ति में प्रवेश के लिए, भक्ति के प्रारंभिक अवस्था में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अब भक्ति जब भाव स्तर जाने लगे तब इसके कोई जरूरत नहीं है। यद्यपि भक्ति के प्रभाव से विरक्ति रहती है, भाव भक्ति के लक्षण हम लोग पढ़ेंगे, विरक्तिर मान शून्यता, लेकिन इसके अलग से अनुशीलन करने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक विरक्ति आ जाती है, ऑटोमेटिक। आप लोग दक्ष हैं, कंप्यूटर के विषय में जानते हैं, हमको बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन हम लोग मोबाइल पर कुछ नंबर और प्रिंट करते हैं, बटन दबाइए तो 2-3-5 ऐसे आता है,
और तब तक उसका स्क्रीन ही भर गया, वो नंबर बहुत दबाए जाएंगे तो भर जाएगा ना, अब आगे दबाएंगे तो जगह नहीं है, तब तक ऑटोमेटिक वो सब है, जो नंबर है डिजिट है वो सब छोटा हो जाता है, फिर जगह आ जाता है, ऐसा आप लोग देखे हैं ना। तो आपको वो जगह खाली करने के लिए नहीं कुछ करना पड़ा, वो हालांकि अनलिमिटेड नहीं है, कुछ देर के बाद रुक जाएगा, लेकिन एक दो बार ऐसे किए बटन दबाते गए तो पहले बड़ा बड़ा अक्षर आ रहा है, अब जगह खत्म हुआ तो छोटा होकर के फिर जगह बन जाएगा, तो ऑटोमेटिक हो रहा है। तो वैसे ही भक्ति के अनुशीलन से जितनी आवश्यकता है, जिसकी उपयोगिता है, वैसा ज्ञान वैराग्य स्वतः आ जाता है। तो स्पष्ट समझ रहे हैं ना ज्ञान वैराग्य की क्या भूमिका है, प्रारंभ में इसकी उपयोगिता है भक्ति में प्रवेश के लिए, भक्ति की स्थिरता के लिए, लेकिन बाद में इसका उपयोग नहीं है, क्योंकि इससे चित्त कठोर होता है और भक्ति के लिए मृदु चित्त की आवश्यकता होती है। हाँ बोलिए, कुछ कह रहे हैं वो माइक में। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। हाँ वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, एक अन्वय यही है वैराग्य विद्या सिखाए, वो वैराग्य विद्या क्या है, भक्ति योग। वो वैराग्य विद्या भक्ति योग से अलग नहीं है, एक तरह से ये भी अर्थ किया जाता है, ये भी अर्थ किया जाता है कि वैराग्य विद्या और भक्ति के शिक्षा के लिए वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थ में क पुरुषः पुराण, वो इसी के लिए अवतार ग्रहण किए और आचरण करके भी दिखाए, क्योंकि अपना न कैले धर्म सिखाना न जाए, तो वैराग्य की जरूरत है। और चैतन्य महाप्रभु वो बहुत भारी वैराग्य का आचरण दिखाए ना, वृद्धा माँ है, ज्योति पत्नी है, परिवार में कोई नहीं है, त्याग किए। तो भक्ति में प्रवेश के लिए तो हम कह रहे हैं ना कि ज्ञान वैराग्य की आवश्यकता है, लेकिन अलग से ज्ञान वैराग्य के अनुशीलन की आवश्यकता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु क्योंकि वेदांत का अध्ययन किए, वे तो महामंत्र का जप कर रहे थे, भक्ति के सिद्धांतों का श्रवण कर रहे थे, तो जितनी आवश्यकता है वो तो उतना वैराग्य स्वतः प्राप्त हो जाता है। वो वैराग्य और संग्रह या आसक्ति का निर्धारण कृष्ण के संबंध से किया जाता है, और किस वैराग्य को यहाँ हे बतलाया जा रहा है, अनुशीलन रोका जा रहा है, उसको आगे के श्लोक में कह रहे हैं, प्रापंचकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमोक्ष भी परित्याग वैराग्यम फल्गु कथ्यते। कोई कोई ग्रुप है कि प्रापंचकतया कोई भी वस्तु है और उसको भौतिक समझ करके उसको त्याग देते हैं कि ये तो भौतिक चीज है, यहाँ तक कि हरि संबंधी वस्तु न, ऐसे ऐसे सन्यासी मिलेंगे, वैरागी मिलेंगे कि अब उनको भगवान के माला को भी धारण नहीं करेंगे,
वस्त्र नहीं पहन रहे हैं और कुछ धारण नहीं कर, भगवान के माला कोई दिया तो उसका भी त्याग कर देते हैं। वो कह रहे हैं कि यह वैराग्य नहीं है, ये क्या है, फल्गु वैराग्य। ये फल्गु बंगला भाषा में ज़्यादा प्रचलित है, फल्गु मतलब झूठा। पहले हम गया के विषय में पढ़े चैतन्य चरितामृत में कि फल्गु नदी है, तो हम सोचते थे कि जैसे नाम है और नदी का वैसे फल्गु नाम होगा, लेकिन व्याख्या में पढ़े कि फल्गु मैंने झूठा, ऊपर से ऊपर वो नदी नहीं है, नीचे बहती है, पानी खोदने पर है, तो फल्गु मतलब झूठा, फाल्स। तो भगवान से जो संबंधी वस्तु है उसका त्याग कर देना फल्गु वैराग्य, उचित वैराग्य नहीं। भगवान से संबंधित वस्तु का संग्रह करना यही वास्तविक वैराग्य। श्रील प्रभुपाद जी इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवान के सेवा के लिए हम लोग अत्यधिक अति आधुनिक डिवाइस का, मशीन का उपयोग करते हैं, लेकिन अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं, तो यही युक्त वैराग्य, यही वास्तविक वैराग्य। भगवान के सेवा का जहाँ ध्यान है और किसी भी वस्तु का संग्रह करना यह वास्तविक वैराग्य है। लेकिन वैराग्य के नाम पर भौतिकता के दृष्टि से भगवान से भी संबंधित वस्तु का त्याग कर देना यह फल्गु वैराग्य, तो अंतर समझना चाहिए। जहाँ वैराग्य की बात आ रही है तो फल्गु वैराग्य मतलब हम प्रयास करके, अभ्यास करके और जो त्याग कर रहे हैं। कुछ लोग वैराग्य का अभ्यास करते हैं लेकिन भक्ति में इसका विधान नहीं किया गया, भक्ति करने से स्वतः वैराग्य आ जाता है जितनी आवश्यकता, और बहुत अभ्यास करेंगे तो चित्त कठोर हो जाएगा। अब चित्त कठोर होगा तो भगवान के प्रति भाव उदित नहीं हो पाएगा। भाव के लक्षण में इन सब बातों को हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ केवल यह बात कही जा रही है कि अलग से वैराग्य के अनुशीलन की आवश्यकता नहीं है। अनुशीलन जैसे न कीर्तन भक्ति का अंग है, इसका हम लोग अभ्यास करते हैं ना, प्रयास करके श्रवण करने के लिए आयोजन करते हैं, तो वैसे वैराग्य के लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। भक्ति करेंगे तो वैराग्य स्वतः उत्पन्न हो जाएगा। और वैराग्य के कंसेप्ट को और स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवान के सेवा के लिए संग्रह है तो वह उचित है, और इसी को वास्तविक वैराग्य कहेंगे। और जहाँ वैराग्य के नाम पर भगवान से संबंधित वस्तुओं का भी त्याग है और उसको फल्गु वैराग्य कहा जाता है, झूठा वैराग्य कहा जाता है। और चैतन्य महाप्रभु वैराग्य विद्या का शिक्षा दिए तो प्रारंभ में इसकी आवश्यकता है, और फिर वैराग्य विद्या क्या है इसकी व्याख्या ये भक्ति योग, वास्तविक वैराग्य विद्या भक्ति योग का अनुशीलन ही। दोनों अर्थ प्रचलित है, वो दो आइटम
वैराग्य और भक्ति योग की शिक्षा के लिए। लेकिन इसका अर्थ आप पढ़ेंगे तो यह भी किया है वैराग्य विद्या में, वो क्या वैराग्य विद्या, भक्ति योग, निज भक्ति योग। ये भक्ति ही वास्तविक वैराग्य है। और इस विषय में है, कह रहे हैं कि प्रोक्ते न लक्षणे नैव भक्ते अधिकृतस्य च अंगत्वे सुनिरस्तेपि नित्यादि अखिल कर्मणा। कि भक्ति के परिभाषा के समय ही सब कर्म को भक्ति से अलग कर दिया गया था। ज्ञानस्य अध्यात्मिकस्यापि वैराग्यस्य च फलगुणः अस्पष्टार्थं पुनरपि तद एवं इदं निराकृतम्। यहाँ फल्गु वैराग्य की ही बात कही जा रही है कि वह भक्ति के विरोधी है। वो कह रहे हैं कि अस्पष्ट करने के लिए इस बात को फिर से कह दिए। अब उत्तमा भक्ति के विषय में एक बात और स्पष्ट कर रहे हैं कि धन शिष्यादिभिर द्वारे या भक्ति रूपपाद्यते विदुरत्वात् उत्तमा हान्या तस्याश्च नांगता। यानी कि धन और शिष्य से जिस भक्ति का संपादन किया जाता है तो एक दूरी होने से उत्तमा भक्ति की हानि हो जाती है और इसलिए यह उत्तमा भक्ति का अंग नहीं। कुछ लोग अपने इंद्रियों से भक्ति न करके शिष्य से द्वारा भक्ति कराते हैं या धन से भक्ति कराते हैं, वो अच्छी बात है लेकिन वो उत्तमा भक्ति का अंग नहीं माना जाए। क्योंकि विदुरत्वात्, भाई भक्ति की परिभाषा पढ़े तो ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम कृति साध्या, करण से इसको साध्य करना होगा। अब इस पर थोड़ा विचार कीजिए कि मान लीजिए कि गुरु जी हैं और उनके प्रभाव से उनके शिक्षा से ही शिष्य लोग मंगला आरती कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो उसका लाभ शिष्यों को मिलेगा, गुरु को नहीं मिलेगा। या कोई सेठ जी हैं तो बैठा दिए हैं कीर्तन, बहुत जगह है कि सेठ लोग अखंड कीर्तन कराते हैं, सत्कर्म है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सेठ जी उत्तमा भक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं, उत्तमा भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि एक दूरी है। लेकिन ये दूरी ही सिद्धांत है, कहीं कहीं ये दूरी कम हो जाती है, घट जाती है, समाप्त हो जाती है। जैसे कोई बड़ा उत्सव करना है तो उसमें तो पैसा से ही करेंगे, धन से करेंगे, और व्यक्ति की भी जरूरत पड़ती है, व्यक्ति की भी जरूरत पड़ती है ना। बड़ा उत्सव करना है तो कई एक भक्तों की आवश्यकता पड़ती है, और उस समय कोई गुरु अपने शिष्यों को नियोजित करता है तो दूरी नहीं है। तो बड़ा बड़ा उत्सव है तो उसमें जो शिष्य या धन का नियोजन है तो वो उत्तमा भक्ति का अंग बन सकता है। तो कहने का आशय यही है कि जहाँ बहुत दूरी है तो वह उत्तमा भक्ति का अंग नहीं है। और सामान्य रूप से जो कारिका है कि धन शिष्यादिभिर द्वारा या भक्ति रूपपाद्यते, जिस भक्ति का संपादन धन और शिष्य से किया जाता है और इसमें दूरी होने से
वो उत्तमा भक्ति का अंग नहीं है। और एक बात कह रहे हैं कि विशेषणत्वम एव एषाम संश्रयन्ति अधिकारिणाम विवेकादिन्यतो अमीषाम अपि नानंगत्व मुच्यते। ये विवेक इत्यादि भी भक्ति का अंग नहीं है। कोई कोई व्यक्ति बहुत विवेकी होते हैं तो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि वे भक्त हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, चाहे ज्ञान हो, वैराग्य हो, विवेक हो, लेकिन वह भक्ति का अंग नहीं है। कृष्णोन्मुखम स्वयं जानते यमा शौचादयस तथा ये तेषाम च न युक्ता स्याद भक्त्यांग तर पातिता। वे कह रहे हैं कि कोई कोई चीज़ है कि उसको भक्ति का अंग नहीं कहा जा सकता। विवेक आदि गुणों को उत्तमा भक्ति का अंग कहना उचित नहीं है, क्योंकि ये गुण समूह उत्तमा भक्ति के अधिकारी का विशेषण के रूप में आश्रय ग्रहण करते हैं। श्री कृष्ण के भजन करने के लिए उन्मुख व्यक्तियों में स्वाभाविक रूप से जम शौचादि उपस्थित होते हैं, इसलिए इन सबों को भक्ति के अंग नहीं कहा जा सकता। जो शौच है मैंने सफाई, स्वच्छता, दया, तो ये सब भक्ति के प्रभाव से आ जाते हैं, ये भक्ति नहीं है। कोई व्यक्ति खूब स्वच्छ रह रहा है और दया के भाव से युक्त है, तो इसके आधार पर यह नहीं कह सकते कि वह भक्त है। किसी गुण के अर्जन से भक्ति की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन भक्ति की प्राप्ति से गुण स्वतः आ जाते हैं। भक्ति करने पर दया, स्वच्छता, ये सब गुण स्वतः आ जाते हैं। जैसा कि स्कंद पुराण से श्लोक उद्धृत कर रहे हैं, आप मृगारी की कथा जानते हैं। मृगारी कितना कठोर हृदय का था। अब हम कथा को तो प्रस्तुत नहीं करेंगे, लेकिन नारद जी आ रहे थे तो देखे कि बहुत प्राणी कष्ट में है, तो मृगारी के पास गए, व्याद के पास गए और पूछे क्यों रास्ते में बहुत पशु घायल दिखे, वे किसके हैं, आपके हैं? तो सोचा वो अपने हिसाब से कि लगता है कि मानसंस के लिए चार, हाँ सब हमारे हैं, तुम लेना चाहते हो तो ले सकते हो। नहीं नहीं हमको लेना नहीं है, हम यह जानना चाहते हैं कि उनको पूरा मार क्यों नहीं दिए, घायल अवस्था में क्यों छोड़े हैं। तो मृगारी कह रहे कि अर्ध मरा जीव जब धड़क फड़क करे तबे तो आनंद मोरे अंतर बढ़े। कि अर्ध मरा जीव होकर के छटपटाता है तो उस समय हमको बहुत आनंद आता है। अपना परिचय दिया कि हमारा पेशा ये पारिवारिक है, हम अपने पिता से ये सब गुण अर्जित किए। उसके हृदय का वर्णन आप समझ रहे हैं ना, कैसा उसका हृदय है, उसमें वे आनंद अनुभव करता है, इतना कठोर हृदय वाला था। लेकिन जब नारद जी के उपदेश से भजन करने लगा और नारद जी एक दिन अपने मित्र पर्वत जी के साथ कहे कि थोड़ा चलते हैं एक शिष्य के पास, तो देखा गुरु जी को पहचान लिया तो दूर से ही बहुत तेजी से आना चाहता था, लेकिन तेजी से पहुंचना चाहता था, लेकिन ध्यान रख रहा था कि पैर रखने में कोई चींटी न दब जाए। नमस्कार करने के लिए जब उद्यत हुआ सष्टांग, तो पहले चींटी इत्यादि को वस्त्र से हटा करके
पर उस पर कह रहे हैं कि एते न यद भूता व्याध तवा हिंसा दयो गुणा। वो व्याध से संबोधन के सब गुण तुम में आ गया, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हरि भक्त प्रवृत्ता ये नौते सिंह पर तापिन, कि जो भगवान के भक्ति में प्रवृत्त हो गए तब दूसरे को कष्ट देना नहीं चाहते, उनके स्वभाव में आ जाता है। और जो शुद्धि इत्यादि है, शौच इत्यादि है, या और भी दया इत्यादि गुण हैं, तो हरि सेवा भी कामिना, जो भगवान के सेवा की इच्छा करता है, भक्ति करता है, तो स्वतः ये सब गुण आ जाते हैं। और इस प्रकार ये जो सद्गुण हैं तो बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उसको भक्ति नहीं कहा जा सकता। सब सद्गुण है व्यक्ति में, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सब सद्गुण मिल करके उसको भक्ति प्रदान कर दे, लेकिन भक्ति का अनुशीलन किया तो सद्गुण स्वतः आ जाएंगे। अब एक और बात है कि भाई भक्ति के तो 64 अंग बतलाए गए भाव भक्ति के प्राप्ति के लिए, साधन भक्ति 64 प्रकार के, तो ये कितने भक्ति का अनुशीलन करें कि भाव भक्ति की प्राप्ति हो जाए, पूरा 64 करें कि 32 करें, क्या क्या करना चाहिए, लोग प्रश्न करते हैं। अब इस विषय में कह रहे हैं कि सा भक्ति रेक मुख्यांग आश्रिता नैकांगिका स्थवा स्ववासनानुसारेण निष्ठात सिद्ध कृत भवे। कि कोई एक भक्ति के अंग का अनुशीलन कर रहा है, भक्ति के एक अंग का अनुशीलन कर रहा है, या अनेक अंग का अनुशीलन कर रहा है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है, निष्ठा। एक बिना निष्ठा के बहुत सारे अंगों का अनुशीलन करें तो उससे कोई जरूरी नहीं है कि भाव भक्ति की प्राप्ति हो जाए, लेकिन एक ही भक्ति का निष्ठा पूर्वक अनुशीलन कर रहे हैं तो भाव भक्ति की प्राप्ति हो सकती। तो दोनों परंपरा है, कुछ लोग अनेक भक्ति के अनेक अंगों का अनुशीलन करके सिद्धि को प्राप्त किए, और कुछ लोग एक भक्ति के एक अंग का ही अनुशीलन करके सिद्धि प्राप्त किए। तो अपने प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, अपने रुचि पर निर्भर करता है, इसमें बंधन नहीं है। और परीक्षा के लिए भी एक प्रश्न बनता है, भाव भक्ति के लिए एक भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए कि अनेक भक्ति का, तो एक तो यह प्रश्न हुआ। और फिर क्यों, आप स्वतंत्र हैं, एक भक्ति के पक्ष में भी लिख सकते हैं और अनेक भक्ति के प्रश्न पक्ष में भी, लेकिन इस विषय में तथ्य समझना चाहिए कि एक भक्ति और अनेक भक्ति यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है, निष्ठा। चैतन्य चरितामृत में इसको बहुत स्पष्ट लिखा गया है, मध्य लीला के 22वें अध्याय के 134 नंबर का प्यार, एक अंग साधे के साधे बहु अंग। कुछ लोग एक अंग की साधना करते हैं और कुछ लोग बहुत अंग की साधना करते हैं। निष्ठा हैले उपज प्रेमे र तरंग। जब साधना में निष्ठा है तब भाव का उदय होगा, निष्ठा नहीं है तो अनेक अंग का भी साधना करने से भाव की प्राप्ति नहीं होगी। और निष्ठा पूर्वक एक अंग का भी साधना किया जाए तो भाव की प्राप्ति हो जाए। निष्ठा पूर्वक अनेक अंग की साधना की जाए
भाव की प्राप्ति हो जाएगी। और इस विषय में उदाहरण दे रहे हैं कि कुछ लोग बहुत अंग का संपादन किए। आप अम्बरीश महाराज की कथा जानते हैं, ओ वे सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते थे। सवई मनः कृष्ण पदारविंदय वाचान से वैकुंठ गुणानुवर्णन। आप सुनते हैं ना, वे भी सिद्धि प्राप्त किए, लेकिन कई एक भक्त हैं कि केवल एक भक्ति में लगे रहे, उनको भी सिद्धि मिली। और खास करके नवधा भक्ति के आचार्य का एक लिस्ट ही दे रहे हैं, श्री विष्णु श्रवणे परीक्ष दभवत वैयासकी कीर्तने। कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज तो केवल श्रवण कर रहे थे, 7 दिन श्रवण करते रहे, उनको सिद्धि मिल गई। और सुखदेव गोस्वामी कीर्तन किए, इसे सिद्धि मिल गई। और प्रहलाद स्मरण, प्रहलाद महाराज स्मरण के आचार्य हैं। और तदंग्र भजन लक्ष्मी अर्चन के आचार्य लक्ष्मी हैं। और पृथु पूजन, पूजन के आचार्य पृथु महाराज हैं। अक्रूरस्त अभिवंदन, अक्रूर जी अभिवंदन भक्ति के आचार्य हैं। और कपिपति दास्य, हनुमान जी दास्य भक्ति के आचार्य। सख्य अर्जुन, अर्जुन सख्य भक्ति के। तो सर्वस्वात्म निवेदने बलिरभूत कृष्णाप्ति रेशाम परा। कह रहे हैं कि आत्मनिवेदन के आचार्य बलि महाराज हैं। तो ये लोग एक भक्ति से सिद्धि प्राप्त किए। अम्बरीश महाराज अनेक भक्ति के अंग का संपादन करके भक्ति में सिद्धि प्राप्त किए। और भक्ति में अंग का महत्व नहीं है, महत्व है निष्ठा का। तो आप लोग इस श्लोक को थोड़ा गाइए, थोड़ा आलस भी महसूस कर रहे हैं तो गाने से थोड़ा एनर्जी आ जाएगी। तो पीछे से आप लोग बोलिए, श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवत् श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवत् वैयासके कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तदंग्रि भजने लक्ष्मी पृथु पूजने अक्रूरस्त्वभिवंदने कपिपतिर् दाशेत सख्यर्जुनः सर्वस्वात्मनिवेदने बलिरभूत् कृष्णाप्ति रे सांपरा। फिर से सुन करके बोलिएगा, श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवत् वैयासकी कीर्तने श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवत् वैयासकी कीर्तने श्री
प्रहलाद स्मरणे तदंग्रे भजने लक्ष्मी पृथु पूजने अक्रूरस्त्वभिवन्दने कपिपते दास्येत सख्यर्जुनः सर्वस्वात्मनिवेदने बलिरभूत् कृष्णाप्तिरे संपरा फिर साथ में बोलिए सब लोग साथ में श्री विष्णु श्रवणे परीक्षेर भवत् वैयासके कीर्तने फिर से विष्णु श्रवणे परीक्षेद भवत् वैयासके कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तदंग्रे भजने लक्ष्मी पृथु पूजने अक्रूरस्त्वभिवन्दने कपिपतिर् दास्येत सख्यर्जुनः सर्वास्मान् कैमरा में दिख रहा है श्लोक श्लोक आया तो दिखाना चाहिए ना कैमरा में और श्रवण भक्ति के आचार्य कौन हैं इसको दिखाइए परीक्षित महाराज देखिए बोर्ड पर दिख रहा है ना और कीर्तन भक्ति के आचार्य सुखदेव गोस्वामी स्मरण भक्ति के आचार्य और पाद सेवन लक्ष्मी अर्चन पृथु महाराज और वंदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन बलि महाराज तो फिर से श्लोक को एक बार बोलिए साथ में श्री विष्णु श्रवणे परीक्षेर भवत् वैयासके कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तदंग्रे भजने लक्ष्मी पृथु पूजने अक्रूरस्त्वभिवन्दने विपते दास्येत सख्यर्जुनः सर्वस्वात्मनिवेदने बलिरभूत् कृष्णाप्तिरे सम्पराम् परीक्षित अम्बरीश महाराज अनेक भक्ति का अनुशीलन किया तो इस प्रकार ये वैधि भक्ति है प्रायश्चित के विषय में हम लोग चर्चा लगता है कि नहीं किए देखिए हम भक्ति पहले किए थे भक्ति में लगे हैं तो अलग से प्रायश्चित का विधान नहीं है क्योंकि सबसे शुद्ध करने वाला तो भगवान की भक्ति ही है अब इस भक्ति में ही लगे हुए हैं तो अलग से किसी प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो ये जो भक्ति का मार्ग है
और इसमें मर्यादा का बहुत ध्यान रखा गया है। ये मर्यादा से बंधी हुई है और इसी से इस भक्ति में वैधि भक्ति के मार्ग को कुछ लोग मर्यादा मार्ग भी कहते हैं। जैसे भाव भक्ति है तो उसके लिए रति शब्द भी आता है। कहीं भी शास्त्र में रति पढ़िए तो उसका अर्थ भाव भक्ति। तो उसी तरह मर्यादा भक्ति या ऐश्वर्य भक्ति ऐसा शब्द आ रहा है या सुन रहे हैं तो वह वैधि भक्ति के अर्थ को व्यक्त कर रहा है। हम लोग साधन भक्ति पढ़ रहे हैं। साधन भक्ति के कितने अंग हैं? दो। कौन कौन? वैधि और रागानुगा। तो वैधि भक्ति के विषय में पढ़े लेकिन बाकी क्या रह गया? रागानुगा। तो उसके विषय में कल से पढ़ेंगे, लेकिन दो श्लोक आप लोगों को याद करने वाला है जो इस प्रसंग में आया। कौन कौन? अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्य मिंद्रिय सेवन मुखो ही जिह्वाद स्वयं एव स्फुरत्यद। और ये श्लोक भी याद होना चाहिए और इसका अनुवाद भी। और चैतन्य चरितामृत में इस श्लोक को उद्धृत किया गया है और श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद किया है। तो अनुवाद डायरेक्ट संस्कृत शब्दों से भी कर सकते हैं, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। हिंदी संस्कृत बहुत मेल है, लेकिन अच्छा होगा कि श्रील प्रभुपाद के शब्दों को ही प्रस्तुत कीजिए, ओरिजिनल अनुवाद है। और इसको आप लोग क्लास के अंत में लिख सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा इसका अभ्यास कीजिए। पीछे से बोलिए, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यमिंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरत्यदः। साथ में सब लोग बोलिए, वैराग्य के विषय में अनासक्तस्य विषयान् यथार्हमुपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्णसम्बन्धे युक्तं वैराग्यमुच्यते। वैराग्य और ज्ञान के विषय में ये कहा गया है कि भक्ति के प्रवेश में इसके बहुत उपयोगिता है। नहीं, भक्ति के प्रवेश में इसकी थोड़ी सी उपयोगिता है, लेकिन ये भक्ति का अंग नहीं है, क्योंकि इसका स्वभाव भक्ति के स्वभाव से नहीं मिलता। भक्ति मृदु स्वभाव की है और यह चित्त को कठिन करने वाला है। तो भाई वैराग्य नहीं धारण करना चाहिए तो क्या राग में रहना चाहिए? ना, ये राग भी भक्ति के अनुकूल नहीं है। ये तो पहले ही हम लोग सुने कि जब तक थोड़ा वैराग्य नहीं होगा भक्ति में प्रवेश ही नहीं होगा। तो राग भक्ति के अनुकूल नहीं है, लेकिन अब भाई राग और वैराग्य दोनों पर विचार किया जाए तो इसमें भक्ति का विरोधी कौन है? अधिक विरोधी कौन? वैराग्य अधिक विरोधी है। उसका कारण है
कि राग के विषय में देखा जाता है, आसक्ति के विषय में देखा जाता है कि गाढ़ से गाढ़ आसक्ति भी बहुत गाढ़ राग है, वह भी भक्ति के प्रभाव से प्रायः विलीयते, प्रायः समाप्त हो जाता है। तो कह रहे हैं कि रुचि मुद्वहतस्तत्र जनस्य भजने हरि विषयेषु गरिष्ठोपि राग प्रायः विलीयते। कोई व्यक्ति बहुत आसक्त है, विषय के प्रति बहुत आसक्त है, तो वह स्थिति भक्ति के बहुत विरोधी नहीं है, क्योंकि भक्ति का ऐसा प्रभाव है कि वह गाढ़ राग भी विलुप्त हो जाता है। और ऐसा देखा गया है कि जो बहुत राग से युक्त है, बहुत आसक्त है, और भक्ति में आने पर उनके बड़ी तीव्र गति से प्रगति होने लगती है। अब बिलोमंगल ठाकुर की चर्चा सुन चुके हैं, वो गणिका में कितना आसक्त थे। यही समय है, अभी तो ये थोड़ा बीत गया पितृपक्ष है, थोड़ा दिन पहले हम लोगों के क्लास शुरू होने के पहले, और यह बाढ़ का समय होता है। अधिकांश जगह इस समय बाढ़ होता है, उसका कारण है, कुछ ज्योग्राफिकल कारण है कि ग्राउंड लेवल से कनेक्शन हो जाता है कहीं का। और पितृपक्ष में बिलोमंगल के वार्षिक श्राद्ध का तिथि थी, तो स्पेशल श्राद्ध कर रहे थे, विशेष आयोजन किए थे, अपने मित्रों को संबंधियों को बुलाए थे। तो श्राद्ध करने करते लगभग दोपहर निकल गया, और जब तक श्राद्ध के आयोजन में थे, अब कुछ समय तो कर्मकांड में ही चला गया, फिर संबंधियों को मित्रों को खिलाने पिलाने में, अब इससे जब मुक्ति मिली तब उनको पुनः गणिका का स्मरण हो आया, और वे तुरंत अब घर से प्रस्थान करने लगे। अभी बहुत काम बाकी था, कोई आयोजन करते हैं तो जितना जुटाने में परिश्रम पड़ता है तो कुछ कुछ समेटने में भी लगता है, लेकिन अब समेटने का ध्यान नहीं दिए, निकलने लगे। उनकी पत्नी जानती थी उनके विषय में, वो कहने लगे कि अरे अब सूर्यास्त होने जा रहा है, बरसात का समय है, अभी कहाँ जाएंगे। वो बहुत प्रार्थना करते कि रात्रि हो जाएगी, रास्ते में सूर्यास्त हो जाएगा, मत जाइए, लेकिन उसकी बात नहीं सुने। और इतना आसक्त थे, रास्ते में गए, सूर्यास्त हो गया, और मैंने नदी पार करने के पहले ही सूर्यास्त हो गया। अब नदी कैसे पार करें वे विचार कर रहे थे, तो एक मुर्दा बह करके आ रहा था, एक लाश सौ डेड बॉडी। तो वो सोचे कि कोई लकड़ी है, अभी इतना के सहारे तो हम पार ही कर जाएंगे, और उसका सहारा ले करके पार कर गए। और उनके मन में था कि फिर लौटना भी है, तो वहीं बिहाया या कुछ कुछ था उसमें लगा दिए कि लौटते समय भी काम करेगा। तो नदी तो पार कर गए, लेकिन अब उधर गए गणिका के घर के पास, तो सब अब बरसात के टाइम में ही जल्दी सब बंद कर देते हैं, सब दरवाज़ा बंद, अब प्रवेश कैसे पाए। तो अब वो देखने लगे कि कोई जुगाड़ शायद यहाँ भी बन जाए नदी जैसा, तो उनको यही भान हुआ कि कोई रस्सी लटक रहा है, और सोचे कि इसको पकड़ करके तो ऊपर चढ़ जाएंगे बाउंड्री पर, और बाउंड्री पर चढ़ जाएंगे तो नीचे जाना कठिन काम नहीं है। तो अपने समझ से वो रस्सी पकड़े, वास्तव में सांप था, और बाउंड्री पर चढ़ गए। अब चढ़ गए, वहाँ विचार कर रहे थे कि अब क्या करें, सोचे कि इतना तो आसान काम है, कूद करके भी चले जाएंगे, और वहाँ से कूद गए। कूदे तो आवेश में थे, अब सोचे कि आसानी से कूद जाएंगे, लेकिन वो प्रणालिका लिखा गया नाली में गिरे,
और गिरने से उनको चोट आ गई और चोट आने से स्वाभाविक चीख निकल गया, चित्कार निकल गया। उस आवाज़ को सुन करके गणिका अपना रूम खोली और देखे कि बिलमंगल घायल के अवस्था में है। और पहले तो जो हल्दी उल्दी लगाना था लगाई और पूछने लगे कि आप कैसे घर में प्रवेश किए, और कहे को रस्सी बांधी हो उसी को पकड़ कर। कि रस्सी बांधी हो, हम तो नहीं कोई रस्सी बांधे हैं। वो दीपक जलाई और मलहम पट्टी की, इसके बाद कौन रस्सी, तो जा करके देखिए तो सांप है। वो कहे कि नदी को कैसे पार किए, एक लड़की लकड़ी के सहारे। वो उसके घर नदी के तट पर ही था, वो दीपक लेकर के गई तो मुर्दा। वो ऐसे ऐसे चले गए तो मैंने, अब वह भी आश्चर्यचकित हो गई और एक दो वाक्य केवल बोली और वहीं से बिलो मंगल ठाकुर वृंदावन के तरफ चल दिए। उनका आसक्ति देख रहे हैं ना, कितनी आसक्ति थी। और रास्ते में ही ग्रंथ की रचना किए, ग्रंथ का नाम है कृष्ण कर्णामृत, अर्थ होगा जो कृष्ण के कानों के लिए अमृत के समान है। और चैतन्य महाप्रभु उस ग्रंथ पर अपना टिप्पणी दिए हैं कि कृष्ण कर्णामृत सम वस्तु नहि त्रिभुवन। तो बिलो मंगल ठाकुर बहुत आसक्त थे, लेकिन भक्ति के प्रभाव से वो सब आसक्ति खत्म। दक्षिण भारत में एक संत हुए हैं धनुर्दास या कोई, वे एक वेश्या में इतना आसक्त थे कि वो बाइक गियर में चलते थे। वेश्या कहीं जा रही है तो उसके पीछे आगे नहीं चलते थे, उसके मुख से वो आँख का संपर्क न टूट जाए, तो इसलिए वो ऐसे इस तरफ मुख की है तो उसके तरफ मुँह करके वे चलते थे। लेकिन रामानुजाचार्य, ये कोई आचार्य ठीक से हमें नहीं याद, कि देख लिए तो भक्ति का अधिकारी है, ये तो आसक्ति है, यही आसक्ति भगवान के तरफ हो जाए, और उसको भक्ति का शिक्षा दिए और बहुत प्रसिद्ध भक्त हुए। और भक्ति में राग भी बाधक है, लेकिन उतना बाधक नहीं है जितना फल्गु वैराग्य, युक्त वैराग्य नहीं, फल्गु वैराग्य। लोग संसारिक चीज समझ करके सब चीज का त्याग कर देते, हिमालय में चले जाते हैं, लेकिन उससे संतुष्टि नहीं मिलती। अब फिर लौट करके समाज में आ जाते हैं, हॉस्पिटल खोलना क्या क्या करना प्रारंभ कर देते हैं। तो यह किसी जीव के लिए स्वाभाविक चीज नहीं है। राग तो स्वाभाविक है, कृष्ण के प्रति अनुरक्त होना, इसमें तो केवल धारा को थोड़ा सा बदल देना है, ये उल्टी स्थिति नहीं है। अरे भाई, आसक्ति तो स्वाभाविक है, अभी विषय के प्रति है, वही भगवान के प्रति हो जाएगी। तो राग और वैराग्य में जितना विरोधी वैराग्य है उतना विरोधी राग नहीं है, क्योंकि गाढ़ राग भी भक्ति के प्रभाव से समाप्त हो जाता है। तो ये सब है वैधि भक्ति के विषय में, साधन भक्ति के विषय में बातें हैं। हम लोग आगे रागानुगा के विषय में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले इस श्लोक को फिर एक बार बोलिए। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण सम्बन्धे युक्तं वैराग्यमुच्यते प्रापञ्चिकतया बुद्ध्या
हरि संबंधि वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यं फल्गु कथ्यते। ऊपर वाला श्लोक याद कर लेना चाहिए और ये लगभग निश्चित है कि प्रश्न पत्र में श्लोक रहेगा, और यदि श्लोक नहीं रहता है तो बहुत संभावना है कि इस पर प्रश्न रहेगा। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लेना चाहिए। और इस विषय में कुछ पूछना हो तो अभी है, दो चार मिनट पूछ सकते हैं। अब देखिए, प्रश्न कई एक ढंग से हो सकते हैं। भक्ति में ज्ञान वैराग्य की भूमिका को लिखिए, क्वेश्चन बैंक में होगा या प्रश्न आ जाएगा कि युक्त वैराग्य की परिभाषा लिखिए, तो श्लोक लिख करके उसका अनुवाद लिखते हैं या भाव लिखते हैं तो उसको बहुत अच्छा माना जाएगा। या वो कभी कभी अनुवाद के साथ श्लोक लिखना होता है तो इसको भी दिया जा सकता है। पर इसलिए चार श्लोक आप लोगों को याद कर लेना है। ये चार श्लोक में लगभग तीन श्लोक परीक्षा में किसी न किसी रूप में रहता ही है। एक श्लोक लिखना होगा, एक श्लोक उससे भिन्न एक श्लोक सुलाना होगा, कुछ प्रश्न रहेगा तो श्लोक कंठस्थ कर लेना चाहिए और इसका अनुवाद भी। कभी कभी अनुवाद लिखने में बहुत समय लग जाता है तो अच्छा होगा कि एक बार घर पर ही अभ्यास कर लीजिए अनुवाद लिखने का। हम जब परीक्षा दे रहे थे तो हम तो ऐसे बड़ा लाइट वे में कि चले परीक्षा, तो कुछ तैयारी नहीं किए थे। ईशोपनिषद श्लोक तो याद था, हम वो इंग्लिश से मीडियम में थे, अब हमारा अंग्रेजी कमज़ोर, अब अनुवाद लिखना चाहें तो लग रहा था कि इस अंश का छूट गया है। ऐसे हमारा अनुवाद लिखने में ही लगता है कि 40-45 मिनट निकल गया, और उसके बाद मैं चेत गया कि ना पहले से एक बार अनुवाद का भी हम धारणा बना लेते हैं तो बाद में नहीं कोई कठिनाई हुई। हाँ, जरूर कटेगा। अब ये संशय हो जाता है, मान लीजिए कि एक जगह कोई गलती है तो हम तो छोड़ देते हैं, दो जगह गलती तो आधा नंबर कट जाएगा, तीन जगह मात्रा के किसी तरह के त्रुटि तो एक नंबर कट सकता है। चार ही श्लोक है ना, एकदम उसको ठीक ठीक लिख करके जांच लीजिए अपने से। फिर वो हलंत, कितने लोग वो हलंत के लिए नंबर काट दिए। एक जगह कोई गलती रहती है तो हम उसको छोड़ देते हैं, लेकिन एक श्लोक में दो जगह गलती निकल गया तो आधा नंबर काट लेंगे, वो मात्रा का ही हलंत बिंदी किसी चीज़ का, और तीन जगह निकल गया तो एक नंबर कट सकता है। अनुवाद के विषय में यही मान्यता है कि किसी तरह उसके शब्दों का भाव आ जाना चाहिए, एग्जैक्ट अनुवाद याद करके लिखें यह अपेक्षा नहीं, अपने शब्द में लिख सकते हैं। सब शब्दों का मैसेज, क्या मैसेज है वो अनुवाद में आ जाना चाहिए, बस इतनी ही अपेक्षा रहती है। से भक्ति शास्त्री के कोर्स के दृष्टि से बात करें तो NOD सबसे लंबा हो जाता है,
इस अर्थ में कि गीता है तो तीन खंड में है, वह ईशोपनिषद है तो 18 श्लोक है ना, और उपदेशामृत में कुछ 11-12 जो हो, और इसमें तो कई एक 100 श्लोक हैं, लेकिन इसको संक्षेप में रखा गया है। एक बार समझ लेने से उत्तर लिखना आसान होता है। मार्क्स बहुत अच्छा इसमें आता है, हम तो गीता का भी कॉपी देखे हैं, गीता में 100 नंबर तो हम लगता है नहीं किसी को दिए, लेकिन इसमें कई एक लोगों को 100 नंबर भी मिल गया। वैसे गीता में भी 100 नंबर आता है। वो वैराग्य के विषय में जो पूछ रहे हैं ना, तो फल्गु वैराग्य जो युक्त वैराग्य है वो बाधक नहीं है। फल्गु वैराग्य, फल्गु वैराग्य का अर्थ है कि जो कृत्रिम रूप से प्रयास पूर्वक उसका अभ्यास करते हैं। जैसे कितने लोग हैं ना कि कपड़ा का त्याग करते हैं, जाड़ा का दिन भी है तो कपड़ा नहीं पहनेंगे, और कई एक तरह के वैराग्य त्याग का अभ्यास करते हैं, वो इससे कुछ भक्ति में लाभ नहीं मिलता, बल्कि वो वैराग्य का अभ्यास करने से उनका चित्त कठोर हो जाता है। अब चित्त कठोर होने से भक्ति के अनुकूल नहीं पड़ता, चित्त द्रवीभूत होना चाहिए। साधना का यही फल है कि चित्त लिक्विड हो जाता है। भाव में तो एकदम मैंने थोड़ा गीला होता है और प्रेम उदित होता है तो वह लिक्विड हो जाता, बहने लगता है। तो यह जो भक्ति की प्रवृत्ति है, स्वभाव है, वैराग्य इसके अनुकूल नहीं पड़ता, और इसी से इसको अलग से आवश्यकता नहीं। वैराग्य की महिमा है, लेकिन जितने वैराग्य की आवश्यकता है भक्ति खुद जनरेट कर लेगी। भक्ति करने से वो वैराग्य आ जाए, भक्तों में वैराग्य होता है, भक्त तो प्राय वैरागी होते हैं ना, लेकिन वो भक्ति के प्रभाव से वैराग्य आ जाता है। यहाँ यह कहा जा रहा है कि वैराग्य का अनुशीलन करना यह भक्ति का अंग नहीं है, वैराग्य भक्ति के प्रभाव से स्वतः उत्पन्न हो जाता है, इसलिए अलग से अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब देखिए, आज जैसे अब थोड़ी थोड़ी फिलासफिकल चीज आ रही है, वैसे ही अब आगे का क्लास थोड़ा बहुत मनोयोग से सुनना होगा। ये अर्चनम वंदनम दास्यम ये सब तो थोड़ा सा आसान था, लेकिन अब बहुत कम क्लास बचा है। VIG के स्टैंडर्ड से 5 क्लास बस अब होना चाहिए, लेकिन यहाँ 1.5 घंटे का है, हम लोगों के लिए क्लास का बंधन नहीं है। वहाँ तो बाउंड होता है कि इस डेट में समाप्त कर देना है, हम लोगों का ऐसा बंधन नहीं है, बल्कि हम लोगों के जो इंचार्ज हैं तो उनका कहना है कि ना, जब तक बच्चों को समझ में नहीं आ जाएगा तब तक क्लास चलता रहेगा। लेकिन फिर भी हम समझ रहे हैं कि जो एक बार है तो 2-3 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा, फिर जो जिस अंश में कठिनाई रहेगी उसको फिर से किया जाएगा, और हमको खुद आइडिया है कि कुछ अंश खूब प्रयास किए हैं, दोबारा भी किए हैं, लेकिन फिर भी बच्चे चाहते हैं कि एक बार फिर हो जाए तो वो सब समय मिलेगा, लेकिन आप लोग सक्रिय रहिए, इसको पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, हरे कृष्णा।